हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम गुप्तोत्तर काल के एक और महत्वपूर्ण शासक वंश बंगाल के पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे एवं पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ में पाल वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों को भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। हम आज की अपने टॉपिक पे आते हैं, बंगाल का पाल वंश। हेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में 4 राज्य थे। वो 4 राज्य इस प्रकार थे, पुंड्रावर्धन, कर्ण सुवर्ण, समतट तथा ताम्रलिप्ति। पाल शासकों के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तक था। उसका शासन खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जलंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। आगे देख लेते हैं, पाल वंश के प्रमुख शासक, वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल 750 से 770 ईस्वी 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। बताया जाता है कि बंगाल में फैले अशांति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, उसने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। आगे है पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा। उसने कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को परास्त कर चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। धर्मपाल ने चक्रायुद्ध को गद्दी पर बैठाने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि सोंढल ने उसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, याद रखेंगे। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित था, एवं सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई। आगे है देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल के बाद देवपाल, धर्मपाल का पुत्र, गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया तथा मुंगेर, जो कि बिहार में है, को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया था। सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है। देवपाल के पश्चात कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक ही सीमित रह गया। देवपाल के बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय शासक हुए। पाल शासक महिपाल प्रथम के समय पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त को उसने संरक्षण दिया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जाबा के शासक बाल देवपुत्र के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव अनुदान दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, महिपाल प्रथम 978 से 1038 ईस्वी। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासक को पराजित किया। उसने बौद्ध भिक्षुक अतीसा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। क्वेश्चन यहां से आता है। आगे है रामपाल 1075 से 1120 ईस्वी। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल को माना जाता है। उसके शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित पुस्तक में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय तथा मदनपाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। रामपाल के निधन के बाद गढ़वालों ने बिहार के शाहाबाद और गया तक राज्य विस्तार किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम बंगाल के ही एक और वंश, शेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।